मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि तकरीबन एक महीना हो गया लास्ट वीडियो डाले। भौमिक त्रिवेदी ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है। अभी धमाकेदार इसलिए बोल रहा हूँ कि नवरात्रि अभी अभी ख़त्म हुई है और शहर में दिवाली के आने की खुशी आप इस रोशनी से देख सकते हो। जी हाँ, ये है मेरा प्यारा शहर अहमदाबाद। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, ये रोड पूरा सजाया गया है रोशनी से। दिवाली सर पे है, बस कुछ ही दिनों की बात है और पटाखों से लैस, मिठाइयों से लैस दिवाली अपनी बाहें खोले हमें अपनी आगोश में लेने को रेडी है। दोस्तों इस डेढ़ महीने में कुछ इतना हैपनिंग या इतना चहल पहल नहीं हुआ। हाँ, हमने नवरात्रि बहुत तरीके से मनाई जिसके वीडियोस आप देखेंगे आगे। वीडियो में घर पे एक छोटा सा फंक्शन था नवरात्रि का, जैसे लास्ट टाइम का ब्लॉग मैंने अपलोड किया था नवरात्रि ब्लॉग, तो इस बार भी मैं आज ही के ब्लॉग में डालूँगा वो वीडियोज़, तो आप देख लीजिएगा। पर हाँ, एक बार फिर से माफ़ी चाहता हूँ, आपको बहुत वेट करवाया। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जो लोग नए हैं उनका दिल से स्वागत। आज का दिन फ्राइडे है, आज हमें एक इवेंट भी कवर करना है, ठीक है, तो हम वहाँ जाएंगे, फिर ऑफिस भी जाना है और फिर मस्त वीकेंड। तो बने रहिए भौमिक त्रिवेदी ब्लॉग्स के साथ। Hey guys, आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हमारा जो घर है उसकी दीवारों को हम रौनक बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, और ये देखिए, क्या खा रही है। ये देखिए, जी हाँ, दीवारों की रौनक बढ़ा रहे हैं हम क्योंकि दिवाली सर पे है। और ये रहा सामान, ये दीवार भी हो गई है, बंगले को नहीं कर रहे हैं फिलहाल, बंगला वैसा का वैसा ही रहेगा। दीवारें थोड़ी गंदी हो चुकी थी, बाहर से भी हमने दीवारों को मस्त पेंट कर डाला है, मतलब ऑब्वियसली कारीगर जो है उन्होंने। और मेरा रूम पेंट हो रहा है,
तो मेरा रूम में आपको जैसे ही पेंट होता है या इन द जो प्रोसेस होती है वो दिखा दूंगा, और एक डेडिकेटेड हाउस टूर अभी बाकी है जो मैं देने की सोच रहा हूँ आपको। मतलब आने वाले ब्लॉग्स में आप बिल्कुल देखेंगे ही देखेंगे। आज चेंज ये है कि आज गाड़ी लेके जाऊंगा ऑफिस, क्योंकि आज मुझे, मैंने जैसे बोला, एक इवेंट भी कवर करना है और मैं स्केड्यूल करना भूल गया हूँ। हाँ, तो बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग के आज एक इवेंट कवर करना है, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, तो मैं ऑफिस गाड़ी से जा रहा हूँ। ड्रॉप, अरे पिकअप मैं स्केड्यूल करना भूल गया हूँ, कल ड्रॉप स्केड्यूल करना भूल गया था क्योंकि शो था, बहुत सारी बातें करनी है। बैक टू बैक दो शोज कैंसिल हो गए मेरे। कोई बात नहीं यार, ये बातें मैं बाद में भी कर लूँगा, इतनी नान से करूँगा आपसे, ठीक है जी। तो हाँ, मॉर्निंग अभी 8:30 बजे है, चाय अभी अभी पी है, अब सो जाएंगे। मॉर्निंग गाइस, बज रहे हैं 2:45 बजे। मैं जस्ट अभी, सॉरी, 4:45, मैं 3 बजे उठा और अभी साउथ इंडियन यानी कि डोसा खा रहा हूँ। तो हाँ, बस रेडी वेडी होके इवेंट कैप्चर करने चलेंगे। हैप्पी फ्राइडे। जी हाँ दोस्तों, रेडी हो गए हैं और अब चलेंगे बॉटल ब्लैंकेट को कवर कर रहे हैं। चाचा है हमारे जिन्होंने पेंट किया है पूरा घर, ठीक है। ये देखिए, अभी बाहरी दीवार भी फर्स्ट क्लास पेंट हो गई है, और बहुत टाइम से आपने नहीं देखा होगा ब्लैक पैंथर को, तो आज उसी में चलते हैं। चलिए, लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले तो भाई साहब, हम खड़े हैं रिफ्लेक्शन गैलरी के बाहर, और जैसे ही मैंने आपको बोला था, हम कवर करने जा रहे हैं बॉटल ब्लैंकेट। चलिए इस बॉटल ब्लैंकेट को हमने कैप्चर कर लिया है, प्लीज इंस्टा पे फॉलो कर दीजिएगा bottle_blanket, ठीक है जी। हम हैं ब्लैक पैंथर के साथ और अब जा रहे हैं कर्म भूमि की ओर। उसके पहले पेट्रोल वगैरह भरवाएंगे और फिर चल पड़ेंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा लगता है, कौन से वीडियोस देखना पसंद करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हो सके इतना कंसिस्टेंट रहूं आपके साथ, यूट्यूब के साथ।
क्योंकि हमें साथ साथ ग्रो करना है। हे गाइस, पहुंच चुका हूं ऑफिस और निकले हैं हम बाहर फन फ्राइडे एंजॉय करने। वेल, दाल पकवान खाने निकले थे पर दाल पकवान खत्म हो गया है और उसके वजह से सबका मूड ऑफ हो चुका है। तो अभी दाल पकवान को रिप्लेस करेगा कौन? गाठिया। और गाठिया में क्या लोड है कि वहां पे वेट बहुत करना पड़ता है, तो वेट तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हाँ पुचका खाने भी गए थे पर वहाँ लाइन थी। ठीक है, तो मतलब बहुत तकलीफ देह फ्राइडे है अभी, तो देखते हैं गाठिया वाला क्या बोलता है, वो वेट करवाता है या नहीं और फिर हाँ करवाती है या नहीं। वैसे गाठिया वाले का नाम है मिस्टर गाठिया वाला, तो बताते हैं आपको, बने रहिए। गाइस, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फ्राइडे की शुरुआत बहुत ही भयंकर हो गई है क्योंकि हमें दाल पकवान नहीं मिला। हम पानी पूरी खाने रुके पर वहाँ पे भीड़ थी तो वापस आ गए और गाठिया वाला अपने ही स्वैग में बोल रहा है टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा, भैया नहीं है बनाने को। तो फाइनली हम चाय पी के वापस जा रहे हैं।